मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। राजनीतिक कारणों से ज़रूर हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के पक्ष में फैसला दिया है। मैं समझता हूँ ये शिवराज जी की एक बड़ी अच्छी कोशिश थी, उसमें सफलता मिली है और ओबीसी को अपना अधिकार मिल रहा है। इसके बाद अलग अलग मंदिर प्रतिमान मिलने लगी है, भोपाल में भी ये तस्वीर आई है, अलग अलग स्थानों पर मीनार के लिए भी आने लगी है, क्या मानते हैं इसको लेकर एक माहौल क्या बन रहा है? देखिए, देश में जागृति आई है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है और लोगों की आशा और विश्वास कि अब हमारी सुनवाई होगी, अब हमारे साथ जो अत्याचार हुआ उसका हमें कहीं ना कहीं से हमें न्याय मिलेगा, यह विश्वास जनता के अंदर है और ये जनता की आवाज़। और मैं समझता हूँ कि एक वर्षों से जो एक मन की कुंठाएं थी लोगों की कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से जो सरकारें थी वह हिंदू समाज के पक्ष की नहीं थी और इसलिए अब लोगों में एक विश्वास जागा है। चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर जिम्मेदारी बांटने वाले, कितनी कड़ी चुनौती मानेंगे आप? मैं बिल्कुल चुनौती नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम किया है, विकास किया है और गांव से अंतिम गांव से लेकर शहरों तक सबका नक्शा बदल दिया। तो संगठन की तारीफ करिए, कहा है बीजेपी को मतलब कभी कभी कमलनाथ जी सच भी बोलते हैं।